नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकनेट इंडिया। चिलचिलाती गर्मी का मौसम आ चुका है और घरों में एसी भी चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपका एसी इस बार साथ नहीं देने वाला है और आप नया एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी सवाल है कि एसी में 1, 2 और 3 टन क्या होता है और इनमें दिए गए टन का मतलब एयर कंडीशनर का वजन होता है या फिर कुछ और। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टन का मतलब एसी के वेट से है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। यहाँ पर टन का मतलब कुछ और ही है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसी अलग अलग साइज़ में अलग अलग टन में आते हैं। यदि बात की जाए 1 टन के एसी की, तो यदि आप किसी कमरे में 1 टन का एसी लगवाते हैं तो इसका मतलब है यह एसी उस कमरे में उतनी ठंडक देगा जितना कि 1 टन बर्फ़ उस कमरे में रखने पर ठंडक देता है। आप जितने ज़्यादा टन का एसी लेंगे वह उतनी ही जल्दी उस रूम को ठंडा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे रूम में आप ज़्यादा टन का एसी लगाएं, क्योंकि लगाने से ठंडक तो ज़्यादा और जल्दी मिलेगी परंतु बिजली भी ज़्यादा लगेगी। आप जानते हैं कि कितने टन का एसी कितने बड़े रूम के लिए बेस्ट रहेगा। जब भी आप एसी खरीदने जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने रूम का साइज़ देखना चाहिए जिसमें आप एसी लगवाना चाहते हैं। तो यदि आपका रूम 100 स्क्वायर फीट यानी कि 100 स्क्वायर फीट से कम का है तो आपके लिए आधे टन का एसी बेस्ट रहेगा। यदि आपका रूम 100 से 150 स्क्वायर फीट का है तो आपके लिए 1 टन का एसी लेना चाहिए। यदि आपका रूम 150 से 200 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको 1.5 यानी कि 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। यदि आपका रूम 200 से 250 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। फाइनली यदि आपने फैसला कर दिया है कि आपको कितने टन का एसी लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसी के लिंक दिए हुए हैं जो कि अच्छे से अच्छे एसी हैं, उस पर क्लिक करके आप अच्छे से अच्छा एसी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, एसी में टन का मतलब क्या होता है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप अपने कमरे के लिए एक सही एयर कंडीशनर खरीद पाएंगे। और ऐसा करता हूँ कि आपके वीडियो में कितने भी टन का एसी लेना चाहिए के बारे में काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताया पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के भी काम आ सकती है तो उनके साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर